ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलने वाले और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने वाले डॉर्सी शॉर्ट को उन्हीं के कुत्ते ने काट लिया है, जिसकी वजह से वो पर्थ में पहला मैच अब नहीं खेल पाएंगे। बता दें कि नेविल को पर्थ के मैदान पर अभ्यास करते हुए चोट भी लगी। उनकी ये चोट उन्हें अंगूठे में लगी चोट इतनी गंभीर थी कि उन्हें फ्रैक्चर ही हो गया। इस चोट के बाद नेविल इस पूरे टूर्नामेंट से ही बाहर हो गए हैं। नेविल के वनडे कप से बाहर होने के बाद कुर्टिस पैटरसन को न्यू साउथ वेल्स की कमान सौंपी गई है। टीम मैनेजमेंट को उम्मीद है कि नेविल अक्टूबर में होने वाली शेफील्ड सीरीज से पहले फिट हो जाएंगे। अंगूठा टूटने के बाद नेविल ने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये जल्द ही ठीक हो जाएगा और मैं शेफील्ड सीरीज में मैदान पर वापसी कर सकूंगा। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलने वाले शॉर्ट को उन्हीं के कुत्ते ने काट लिया है। इसकी वजह से वे पर्थ के मैदान पर न्यू साउथ वेल्स के खिलाफ खेले जाने वाले मैच में नहीं खेल पाएंगे। शॉर्ट जब अपने कुत्ते के साथ खेल रहे थे तो उनके कुत्ते ने उनकी हथेली पर काट लिया और उन्हें टांके लगाए गए हैं। कुत्ते द्वारा काटे जाने के बाद शॉर्ट को बल्लेबाजी और कैच पकड़ने में दिक्कतों का काफी सामना करना पड़ रहा था। इसी वजह से टीम मैनेजमेंट ने उन्हें पहले वनडे मैच में न खिलाए जाने का अहम फैसला लिया है। नेक्स्ट9 स्पोर्ट्स डेस्क से वरुण की रिपोर्ट।